सो हाई गाइस, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपने फेस वीडियोस अचानक शुरू कैसे कर दी इतनी सारी। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊँगा कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी, फेस वीडियो क्यों शुरू कर दी। पहले मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता था और अपना चेहरा ज़रूरी नहीं समझता था कि बहुत ज़्यादा आए, ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम कंप्यूटर से एडिट करते थे और उस पर वॉइस ओवर होता था। बट अचानक फिर मैंने फेस वीडियो क्यों बनाना शुरू कर दी, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। बाकी जितने बर्ड्स के जो चैनल्स हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन तमाम बातों से भी अपडेट करूँगा। और साथ ही साथ जो लोग बर्ड्स के चैनल की वीडियोज़ देखते हैं और जो लोग बर्ड का चैनल बनाने की सोच रहे हैं, उन सबको करेज करूँगा, उन सबको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मैं किस तरह से मेंटेन करता हूँ, मैं शुरू किस तरह करता हूँ, ख़त्म किस तरह करता हूँ, और वीडियो बनाता कैसे हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज़, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी ऐसे चैनल यूट्यूब पे चल रहे हैं इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वो सब एक तरह से समझें कि ऐसे चैनल जिनमें फेस इतना ज़्यादा नहीं आता, या इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं जिसमें खाली वॉइस ओवर होता है और फेस वगैरह नहीं होता किसी भी यूट्यूबर का, कहीं आपने देखी होंगी मालूमाती वीडियोज़ जो होती हैं, तो वो चैनल जो हैं वो कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वो चैनल जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, वो ये कहने लगा कि जैसे लोग जो बग़ैर फेस के वीडियोस बनाते हैं उनको चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, या अपनी कोई पहचान बनाएं, या फिर अपना कोई पेज ऐसा बनाएं जहाँ पे लोग आपको जानें। ये बात क्यों कही उसने, क्योंकि भाई चैनल का देखें कोई पता नहीं चलता, और यूट्यूब का अपना भी कोई भरोसा नहीं होता, आज चल रही है कल कुछ हो जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो आए दिन ये यूट्यूब जो है कई लोगों के चैनल बैन कर देती है बैठे बैठे, और लोगों को वजह भी नहीं पता चलती कि हमारी गलती क्या थी। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जिनके चैनल अचानक ख़राब हो गए। तो उसके लिए क्या होता है, अगर आपका फेस जो है ना आप दिखाते हैं और वीडियो बनाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, तो क्या होता है कि मैं कल को नया चैनल बनाऊंगा तो लोग वहां आ जाएंगे अगर मेरा चेहरा जानते हैं, क्योंकि नाम कोई किसी का याद नहीं रखता भाई, कोई किसी का नाम इतने टाइम तक जो है ना जहन में नहीं रखता, लोग भूल जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, 50,000 लोग मशहूर हो रहे हैं, तो इतने लोगों के नाम जो है ना याद रखना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, तो लोग जो है ना किसी को याद नहीं रखते, तो आपको ख़ुद अपनी फ़ेस वैल्यू बनानी पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि अपनी फ़ेस वीडियोस शुरू कर दी ताकि मेरी एक फ़ेस वैल्यू हो, कल को मैं दूसरा चैनल बनाऊं लोग वहां मुझे देख सकें या मुझे लोग पहचान सकें, ताकि मैं बिज़नेस भी आसानी से कर सकूं। तो ये स्ट्रैटेजी इसमें गलत भी नहीं है, मैं तो साफ बात करता हूँ, जो सामने होती है उसी तरह से बात करता हूँ। तो मैंने फ़ेस वैल्यू जस्ट बिकॉज़ के चैनल कल को और बनाने पड़ जाए मुझे, इसलिए मैंने बनाई थी अपनी जो फ़ेस वीडियोज़ हैं। और व्लॉगिंग में देखें हमारे लिए भी एक इंटरटेनिंग था, क्योंकि देखें बैठ बैठ के एडिटिंग करना ना वो सही नहीं होता, इंसान की हेल्थ ख़राब हो जाती है। मेरा बिज़नेस ऐसा है कि मुझे मोबाइल पे 24 घंटे देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी बैठ के काम करने में। तो मैंने कहा यार कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना इंटरटेनिंग होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, तो हमने इसको इस तरह से कर दिया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इनकम की तरफ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मेरी इनकम ज़्यादा हो रही थी नॉर्मल वीडियोज़ में जो मैं वॉइस ओवर दे रहा था, अब मेरी इनकम थोड़ी सी कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं ना, यानी कि जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत डीपली होती है, वो रैंक करती हैं, यानी कि वायरल वो ज़्यादा होते हैं। अब व्लॉगिंग वीडियोज़ इतनी ज़्यादा वायरल नहीं होती, तो ये बात आप सर्च कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके व्लॉग बर्ड व्लॉग वायरल हो रहे हों, बहुत कम लोग ऐसे हैं, 2-3 चैनल हैं उन्हीं के हो रहे हैं। सो मेरा मकसद क्या था, अब जितने भी लोग ऐसे जितने लोग जो वॉइस ओवर पर अपना चैनल चला रहे हैं, मेरा दोस्त है एक, वो भी यूट्यूबर है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, अच्छा यूट्यूबर है, और मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके, तो सेम चीज़ जब मैंने सुनी थी तो मैंने उसको भी यही कहा था, बताया भी था मैंने उसको, और बाकी तमाम लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। देखें जब आप खुद से वीडियो में आते हैं ना, तो आपकी एक लोग आपको जानते हैं कि यार इसका ये नाम है अच्छा, ये वहाँ होता है, ये यहाँ घूम रहा होता है, या इसके पास बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं, तो वो चीज़ जो है ना वाकई उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी अपने बिज़नेस को करने की, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने की, क्योंकि हमारा बर्ड्स के एसेसरीज सप्लाई करने का काम है, तो वो बग़ैर फेस के नहीं चलता, भरोसे के बग़ैर नहीं चलता। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा जा रहा है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।